वेलकम टू द आशिमा शो। यूट्यूबर कैरी मेनाती के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं तो अभी चल रही कॉन्ट्रोवर्सी से तो आपको पता ही चल गया होगा। थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो दोस्तों, जैसे कि हर सीजन में फैशन के नए नए ट्रेंड्स आते हैं, उसी तरीके से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं। और हाल ही में बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पर काफी वीडियोस बना रहे थे। जब इसकी शुरुआत हुई तो लोग सिर्फ आर्ग्यू कर रहे थे कि यूट्यूब बेटर प्लेटफॉर्म है या टिकटॉक बेटर प्लेटफॉर्म है, लेकिन धीरे धीरे ये कंपैरिजन और कंट्रोवर्सी हेटरेट में बदल गया। और इस मैटर की पीक टच हुई जब प्रसिद्ध यूट्यूबर कैरी मेनाती ने इस टॉपिक पर एक यूट्यूब वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाला, टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब दी एंड। और ये वीडियो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इस वीडियो ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तक तोड़ दिए। रिकॉर्ड्स को आपको बताऊं तो ये वीडियो फास्टेस्ट 2 मिलियन लाइक्स पाने वाली वीडियो में से एक है, और टोटल व्यूज इस वीडियो को जो मिले थे वो थे 76 मिलियन। ट्विटर पर ज्यादा वीडियोस ट्रेंड नहीं कर पाती, पर ये वहां पर भी ट्रेंडिंग पर थी। और सबसे ज्यादा फिनोमिनल चीज इस वीडियो की ये थी कि कैरी मेनाती के इस वीडियो से पहले लगभग चैनल पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर थे। इस वीडियो के बाद जो जंप आया उससे हो गए अब 17.9 मिलियन सब्सक्राइबर, सीधा 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ज्यादा का सब्सक्राइबर जंप हुआ। अभी तक इंडिया में किसी भी सिंगल यूट्यूबर ने ये जंप अचीव नहीं किया है। ये वीडियो इतनी वायरल हुई कि न्यूज़पेपर तक में न्यूज की तरह ये छपने लग गई। लेकिन कैरी के लिए गुड न्यूज जल्द ही बैड न्यूज में बदल गई। सैडली इस वीडियो को यूट्यूब ने कैरी मेनाती के चैनल से हटा दिया, जिससे कि काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज और ज्यादा क्रिएट हो गई। और ये वीडियो यूट्यूब ने इसलिए हटाया क्योंकि उस वीडियो में यूट्यूब को कुछ ऐसा मिला जिसका समर्थन यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म नहीं करता, जैसे कि साइबर बुलिंग और हरासमेंट। अब इस मैटर पर बहुत से यूट्यूबर्स जैसे कि भुवन बाम, आशीष चंचलानी, अमित बडाना और गुरु रंधावा तक ने अपना सपोर्ट दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसको अपना समर्थन नहीं देते। तर्क ये कि इस वीडियो में कई आपत्तिजनक बातें थी। अब जब कुछ जगहों से सपोर्ट नहीं मिला तो अपना पक्ष रखने के लिए कैरी ने एक नया वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि उनकी वीडियो या उनके डायलॉग को लोगों ने गलत तरीके से लिया है और मेरे एक एक वर्ड और स्लैंग को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि किस रीजन से उनका वीडियो यूट्यूब से टेक डाउन हुआ है। और अगर जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा उन्हें खुद इस बात का जवाब मिल गया होगा कि उसमें कितना कुछ ठीक था और कितना कुछ नहीं। अब जब ये टॉपिक ही टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब है तो टिकटॉक को क्रिटिसाइज करना अपनी जगह है, उसमें किसी को भी बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी को पॉइंट आउट करके ये कहना कि मिठाई की दुकान पर लेकर जाऊंगा 200 में बिक जाएगा, ये बात कितनी सही है इसका कैरी को भी पता है और आपको भी। और दोस्तों, अपने इस डायलॉग को डिफेंड में कैरी ने कहा कि उनका इस बात से ये मतलब था कि टिकटॉकर्स की यूट्यूबर्स के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं होती है। वीडियो से एक और उदाहरण बताऊं आपको तो पूरी वीडियो में कैरी मेनाती आमिर सिद्दीकी को बेटी कहकर संबोधित करते हैं, जो क्लियरली एक होमोफोबिक स्टेटमेंट है। दोस्तों, एक बार के लिए कैरी मेनाती को भूल जाओ, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बस सिर्फ एक बार अपने आप को दूसरे के पर्सपेक्टिव में रख के देखिए। ऐसा करने से आपको सही गलत का पता लगाना आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा जरूरी है कि कैरी मेनाती के फैंस भी इस बात को रैशनल तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करें कि किस तरह से शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि उन शब्दों का सोसाइटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। ये मेरी राय है, लेकिन इस पर आपकी भी राय मैं जानना चाहती हूँ, तो प्लीज आप अपनी राय भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। और टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मेरे ओपिनियन में तो प्लेटफॉर्म वही बेटर होता है जब आपको कुछ नया सीखने को मिले, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर कंटेंट व्यूअर हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने कुछ नया सीखा है, आपके लिए वो प्रोडक्टिव रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।